हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दही वड़े लेकर आई हूँ। दही वड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही सुपर सॉफ्ट है और बहुत ही इंस्टेंट बन जाते हैं और बिना गैस जलाए। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दही लिया है, इसको स्ट्रेनर से हम इस प्रकार से छान लेंगे। छानने से क्या, हमको दही को हम फेंटेंगे नहीं, फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही क्रीमी सा एकदम दही बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 4-5 आलू लिए हैं, बॉईल कर लिए हैं मैंने। इसे हम अच्छे से छील लेंगे और इसे इस प्रकार से हम इसको छीलेंगे और फिर अच्छे से इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ ताकि कोई लम्स ना रहे। आप इसे अच्छे से मैश भी कर सकते हो ताकि लम्स ना रहे। तो मैं यहाँ पर कद्दूकस कर रही हूँ, साथ में मैं हरी मिर्च भी 3-4 मैंने, 2-3 मैंने ली है। आप तीखा चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं हरी मिर्च। तो साथ में मैं इसे भी कद्दूकस कर रही हूँ। तो देखिए कद्दूकस हो गई है भी। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें नहीं डाला है हरा धनिया। तो यहाँ पर गरम मसाला मैंने लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, वो तीखी नहीं होती है जो। और नमक मैंने लिया, सेंधा नमक लिया है। और यहाँ पर जीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसको एक साथ मैं गूंद लूँगी, आटा जैसे गूंदते हैं ना, इसको बैटर जैसे वैसे रख लूँगी बना के। तो स्टफिंग तैयार हो गई है। तो इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा सा आलू का बैटर इस प्रकार से लेंगे और जैसे गोल गोल से दही वड़े होते उसी प्रकार से मैं उसके बॉल्स बना लूँगी। आप चाहें तो चपटे भी बना सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के बना रही हूँ ताकि ब्रेड से बाहर ना आ जाए। अगर बैटर आपका चिपक रहा हाथ में तो आप थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं या हाथ में थोड़ा पानी लगा लें। तो ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे बॉल्स। आप इस बैटर में अमचूर भी डाल सकते हैं और जो आपको डालना वो भी डाल सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सभी बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं और यहाँ पर 7-8 ब्रेड के पीस मैंने लिए हैं। जी हाँ, आज मैं ब्रेड से ही बनाऊंगी दही वड़े, बहुत ही झटपट बन जाते हैं। तो मैंने ब्रेड का एक स्लाइस लिया है, उसको कोई भी कटोरी से या फिर इस प्रकार से किसी से भी आप ऐसे गोल ऐसे कर लें और जो बची हुई ब्रेड है उसको आप रख लें कोई दूसरी रेसिपी बनाने के लिए या ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। या आप नहीं भी गोल काटना चाहें तो आप पूरी ब्रेड को ऐसे ही रख सकते हैं और चारों तरफ से काट कर उसको बना सकते हैं। तो मैं कटोरी से बना रही हूँ इस प्रकार से। तो प्लास्टिक की कटोरी अब पूरी अच्छे से नहीं कट रही है तो मैं थोड़ा ज़्यादा दबा के कर रही हूँ। तो उसके या देखिए कट गया ये भी पीस। तो दही में डालने के लिए मसाला, यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, भुना हुआ जीरा लिया है मैंने और सेंधा नमक लिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम दही के ऊपर डालने के लिए मसाला। ये रेडी हो गया है, इसको एक तरफ रख लेंगे। और एक प्लेट में हम दही को थोड़ा सा डालेंगे इसमें और इसमें हम आधा गिलास इतना पानी डाल लेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। जैसे मट्ठा होता है उसी प्रकार से इसको रेडी कर लेंगे हम। हम एक ब्रेड का पीस लेंगे, इसमें डिप करेंगे और ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, तुरंत हम निकाल लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके एक बॉल को उठाएंगे और ऐसे प्रेस करते हुए चारों तरफ से ब्रेड को हम इस प्रकार से उसको ढकते हुए इस प्रकार से बना लेंगे गोल गोल। आप से चपटा भी बना सकते हैं, तो मैंने गोली बनाया है आज। तो ये देखिए
एक बन के रेडी हो गया है, तो इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे। इसी प्रकार से मैं बता रही हूँ दूसरा करके, दूसरा भी पीस हम ऐसे लेंगे, उसको इस प्रकार से हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे, हल्के हाथ से, ताकि टूटे ना, बहुत सॉफ्ट हो जाती है और ज़्यादा देर नहीं रखेंगे हम इसमें पानी में। मट्ठे के इसमें हम इसलिए इसको डिप कर रहे हैं ताकि हमको दही वड़े जैसा ही टेस्ट आए, दही का ही टेस्ट आए ब्रेड के ऊपर, इसलिए दही वाले बैटर में हम इसे भिगो रहे हैं। तो ये भी रेडी हो गया। इसी प्रकार से सारे हम बना के इस प्रकार से तैयार कर लेंगे। कितनी जल्दी बन के रेडी हो गया। इस प्रकार से सारे मैं तैयार कर लूँगी। तो एक प्लेट में मैं जो क्रीमी क्रीमी दही था जो रेडी किया था हमने, उसको ऊपर से हम ऐसे डालेंगे। और ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे जो मसाला हमने रेडी करके रखा था दही वाला, उसको डालेंगे। अब हम ऊपर से टमाटर सॉस या जो भी आपके पास है, या इमली की चटनी बनाई हो आपने, या धनिया की, जो आपके पास है ऊपर से आप इस प्रकार से डाल के गार्निश कर सकते हैं। तो मैं टमाटर सॉस से कर रही हूँ गार्निश। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं। तो मैंने धनिया की चटनी भी बनाई थी, तो ऊपर से इसको भी हम डाल देंगे। आप इमली की भी बना के डाल सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हो गए हैं दही वड़े। आप भी जल्दी से इसको बनाइए जाके किचन में। और ऊपर से मैं सेवई डाल रही हूँ, नमकीन ऊपर से आप है तो डालिए, नहीं तो मत डालें। इससे और भी अच्छे और टेस्टी बनते हैं दही वड़े। तो देखिए मैं काट के बता रही हूँ इसको, कितने सॉफ्ट हैं, एकदम मुँह में जाते ही घुल जाने वाले इस प्रकार से बने हैं। तो आप भी बनाएं और मुझे बताएं कि किस प्रकार से बने हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।